रूस पर बच्चों को जंग के मैदान में उतारने का आरोप लगा है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन का कहना है कि रूस जंग में मारे गए अपने सैनिकों की कमी पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर बच्चों की भर्ती कर रहा है। यूक्रेन के साथ लंबी खींचती जंग में रूस बौखला गया है। उसने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए और अब खबर है कि वो यूक्रेन के अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस जंग में बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों की मौत हुई है। ऐसे में उनकी कमी पूरी करने के लिए रूस बच्चों की भर्ती कर रहा है। हालांकि इसमें कितने बच्चों की भर्ती होगी ये इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने आरोप लगाया कि रूस 16 साल के बच्चों को सेना में भर्ती कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि क्रेमलिन पूर्वी यूक्रेन में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए बच्चों की भर्ती कर रहा है। उसकी तैयारी करीब 30,000 बच्चों की भर्ती की है क्योंकि इतनी ही संख्या में उसके सैनिक युद्ध से प्रभावित हुए हैं।